को हमारे साथ मिलकर पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आइए इस वचन को देदारी बनाएं कि परमेश्वर का मांस और लहू वचन के द्वारा और सचमुच जब हम ले तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करे और बाकी सारी चीजें कट जाएं। हम लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं, कलीसिया सब मिलकर प्रार्थना करने वाली है कि हमारे अंदर से हम हटकर परमेश्वर बसने के लिए। आइए मुंह को खोलकर आप जहां कहीं पे भी हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी अवस्थाओं को, हमारी कलीसिया की अवस्थाओं को, हमारे देश की अवस्थाओं में से परमेश्वर हम मेरा और अहम हटाकर परमेश्वर राज्य करे, उसका राज्य उतरने के लिए कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने जा रही है, मुंह को खोल के प्रार्थना करने जा रही है। कमान चर्च, लेट्स प्रे टुगेदर। और हमें प्रार्थना में पास्टर थॉमस हमें अगुवाई करेंगे। कमान अपने आवाजों को उठा के प्रार्थना करें, पास्टर थॉमस हमें प्रार्थना। Thank you, Holy Spirit. Pavitratma, hum aapka dhanyavad karta hai. You are the living God. Aap jinda khuda hai, raja hongi raja hai. Khuda se 2023 saal pehle hame bachane ke liye aapne आमीन जो भी किया है, हम आज इस वक्त याद करता है परमेश्वर।
स्वर्ग छोड़कर आप इस धरती पर आए थे। मानव जाति का सारा पाप आपने अपने ऊपर ले लिए। ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। याकूब का किताब 4:7 कहता है, तुम परमेश्वर का अधीन हो जाओ, शैतान भाग जाएगा। शैतान हमें छोड़कर भागने का एक ही तरीका है, परमेश्वर का अधीन हो जाओ। सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, परमेश्वर का अधीन हो जाओ। जुड़ा राजा जीवन प्रौढ़ लवसी उड़ेगा रमसल प्रौढ़ लवस। आइए मिलके हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप परमेश्वर का अधीन में हो तो खुदा आपसे बात करने जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का अधीन हो, परमेश्वर का दास को उपयोग करने जा रहे हैं। हालेलुया। जुड़ा मारा हदुरा गड़गल जीवन प्रौढ़ लवस। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता प्रभु, मिलकर आपका चरणों में आने के लिए ऐसा एक सुंदर अवसर आपने दिया, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। कलिशा समेत हम आपका चरणों में है परमेश्वर, सुंदर गीत गाकर आपका आराधना करने के लिए आप में मदद करना, वायदा के अनुसार आपकी आत्मा का शक्ति हमारे बीच में देना परमेश्वर। सारा सेवकाई पवित्र आत्मा में भरपूर होकर करने के लिए सारा सेवक लोगों को आप मदद करना, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका दास को अभिषेक करना, अनुग्रहित वचन देना, प्रभु भोज का सेवकाई में आपका उपस्थिति संग्रह रहना, उसके लिए हम प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जब हम इस सेवकाई में भाग ले गए, आपने हमें बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए अपना शरीर के अंदर सहे हुए हर एक दर्द को याद करते हुए प्रभु इस सेवकाई में भाग लेने के लिए हमें मदद करना। ये सारा सेवकाई हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनने के लिए आप मदद करना, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हर एक भक्त जन को मैं आपका चरणों में सौंपता हूँ। आप उनको आशीष देना, अनुग्रह देना, वचन के ज्ञान से भरना, एक नया आशा के साथ यहाँ से लौटने के लिए। आगे का समय में आपका चरणों में सौंपता हूँ। खिलाफ खड़े हुए हर एक ताकत को प्रभु यीशु का नाम पर निकल जाने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। आदर और महिमा मैं आपको देते हुए यीशु मसीह का बहुमूल्य नाम पर मैं मानता है। सुनो और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमेन।
बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके उपकारों को याद करेंगे। मैं जैसा हमेशा बोलता हूं, एक आउटर है एक इनर है, अंदर से दीजिए, क्योंकि वो अंदर वाला ग्रहण करता है, अंदर से निकलने वाली स्तुति ग्रहण करता है। हालेलुया। मुझे बाहर की परफॉर्मेंस से ज्यादा ना, इसके अंदर से जो टूटा हुआ दिल है ना हमारा, ये जब ये निकल के जाता है ना, स्तुतियों में विराजमान हो जाता है वो। हालेलुया। इस टूटे हुए दिल के साथ हालेलुया अपनी हर परिस्थितियों को प्रभु के चरणों में सौंपते हुए, मतलब आप उसके उपकारों को जब याद करके स्तुति करोगे तो कुछ और ही निकलेगा। हम उसकी स्तुति करेंगे।
गाड़ी ड्राइव कर रहे थे आप, और सामने से ट्रक आया और पता नहीं चला अचानक से आपकी गाड़ी टर्न होकर निकल गई, कुछ और नहीं था, स्वर्गदूत वहां मौजूद थे। हालेलुया। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं जो आपके लिए प्लान की गई थी, मालूम है आपको आपकी रक्षा कौन कर रहा था? मैंने तुम्हें अपनी आंखों की पुतली की तरह संभाल के रखा हुआ है। आपकी स्पीड कितनी तेज थी आपको नहीं पता, लेकिन चारों तरफ से स्वर्गदूत आपकी गाड़ी उठाकर लेकर चल रहे थे मालूम है। और हर 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 गाड़ी के आगे, हालेलुया, तुम्हारे आगे वाली गाड़ी हो, तुम्हारी पीछे वाली गाड़ी हो, उन सब के चारों तरफ एक बड़ी सेना चल रही थी। हालेलुया। सोने से पहले बोलो, मैं घर वापस आया नहीं हूं, तू लेकर आया है। मेरे निकलने से लेकर मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अगर कोई करता है तो परमेश्वर करता है, नहीं तो प्लान तो दुष्ट ने बहुत कर रखे थे कि आप घर ही ना पहुंचो। हालेलुया। खुदा, कुछ देर हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में सौंपेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन दिनों में हमें रक्षा करेगा। मैं कल प्रार्थना में, कल नहीं बल्कि आज सुबह ही प्रार्थना में जब कर रहा था तो मुझे ना एक चीज़ महसूस हो रही थी। वो एक महसूस क्या हो रहा था कि मुझे ना यीशु दिखाई नहीं दे रहा। बहुत दिन हो गए मुझे यीशु दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने जाके ना, प्रभु मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं घबरा जाता हूँ जब आप मुझे दिखाई नहीं देते हो। तो मैं बार बार प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर यीशु मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो, मेरी बेचैनी का कारण बढ़ता जा रहा है, और मैं कहीं ऐसा ना हो थक जाऊँ हार जाऊँ क्योंकि आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। एक समय था मैंने एक दर्शन पाया था, है ना, इतनी हमारी हम इतने पाक नहीं जो यीशु का चेहरा जीवित रहते हुए देख सके। लोगों ने देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ। लेकिन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दर्शन पाया था। उस दर्शन में मैं यीशु को देखने की कोशिश किया, देख नहीं पाया, लेकिन अब जो है मुझे यीशु दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज खुदा ने मुझे एक बात की, वो पता क्या की बेटा, पहले अगर कुछ एक ऐसा समय था जब हम उद्धार पाने के लिए स्टार्टिंग करते हैं तो हमें यीशु एक दर्शन देकर दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद अब वो बाहर से या हमारी आउटर आंखों से नहीं दिखाई देता। अब पता कहां, बोला बेटा अब मैं तेरे अंदर आ चुका हूं। हालेलुया। क्योंकि ये युग किसका है? पवित्र आत्मा का। अब वो किसके अंदर आ चुका है? आपके अंदर आ चुका है।
अब हम ढूंढ रहे हैं और सारी दुनिया भी पता इन दिनों में बाहर ढूंढ रही है, लेकिन सच बात है इस युग में अगर यीशु को ढूंढना है तो ये थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी। हालेलुया। और मैं तो कहता हूँ खुदा मुझे रोज साफ कर, हैं तपा तपा के साफ कर। हालेलुया। और अगर दुख और कष्ट अगर आपकी जिंदगी में है तो परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। हालेलुया। इससे घबराना मत कि ये मेरी जिंदगी और मेरी किस्मत में यही लिखा है करके, नहीं, वो आपको पाक कर रहा है, वो आपको शुद्ध कर रहा है। जिसकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बहुत दूर है। हालेलुया। हालेलुया। पाक यीशु के करीब ले जाओ तू, यीशु के करीब ले जाओ। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। कहूंगा तब मैं गले से लगाएगा।
जो आपने सहा है, दिल खोल कर बताना उस दिन जब यीशु आपको। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि अगर स्वर्ग में जब हम पहुंचे परमेश्वर की इच्छा अनुसार, तो यीशु सामने होगा तो हिम्मत होगी क्या उससे जाके मिल लूं? तो मैं ऐसा कहता था, मैं उसको मिलने की औकात तो रखता नहीं हूं, कम से कम दूर से निहारता रहूंगा। और जिस मिट्टी से वो चल कर गया होगा, जिस पांव को लेकर वो जगह से गया होगा, उस धूल को लेकर सर पर लगा लूंगा, वो काफी है मेरे लिए। और जब उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ेगी और जब वो बुलाएगा, यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कपारा मेरा, बोलिए यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कपारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, पाप के करीब।
यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं, यीशु से मिलूंगा तब मैं, सब कुछ कहूंगा तब मैं, खुदा जाओ जब हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर आपने हमें मदद किया। खुदा बाप, कुछ समय जब हम आपकी उपस्थिति में बैठे तो अपनी महिमा में परमेश्वर हमसे बातचीत कीजिएगा। हम विश्वास करते हैं आप आदर और सम्मान, प्रभु जी आज पूरा आपको ही मिले परमेश्वर, सारा आदर और सम्मान खुदा बाप सिर्फ आपको मिले, हम प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। मेरी जुबान से निकलने वाले हर शब्द पवित्र आत्मा आपके द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते मिलके एक साथ कहेंगे आमीन। मैं चाहता हूं आप निकाले लूका रचित समाचार उसका 22वां अध्याय, लूक चैप्टर 22। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसका 17वां वाक्य, लूक चैप्टर 22 उसका 17वां वाक्य। हम लोग मिलके इसे पढ़ेंगे और खुदा के नाम को उठाएंगे। प्रेज लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, एक साथ पढ़ेंगे। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। एक बार और हाथ उठाइए, खुदा से कहिए मुझसे बातचीत करें, खुदा को धन्यवाद कीजिए, बोलिए धन्यवाद प्रभु, बोलिए प्रभु धन्यवाद, आपने अपना शरीर और लहू मेरे लिए दिया। यीशु मसीह के नाम से कहिए मिलके आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो कि हम एक साथ इकट्ठा हो सके आज के दिन। आज के दिन विभिन्न जगहों में जितने भी प्रभु के लोग हैं वो इसके लिए इकट्ठा होते हैं। इसे होली थर्सडे बोला जाता है या कई लोग इसे मॉन्टी थर्सडे भी बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली उस चीज को दिखाता है जहां पे यहां पे इस आज के दिन प्रभु भोज की सेवकाई का आरंभ हुआ था, और हम कोशिश करेंगे हम इसको सीखें कि प्रभु भोज की सेवकाई क्या है और किस प्रकार से उस प्रभु भोज की सेवकाई को किया गया। हालेलुया, हर साल हम इसके विषय में सीखते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं आज भी कुछ नया आपको मिलेगा। हालेलुया, आमीन, कुछ नया परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। आमीन। पिछले हफ्ते आपको एक कार्ड मिला था, आपके पास वो कार्ड है। हालेलुया, उस कार्ड में हम अभी चौथे दिन में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि
दुनिया में कई लोग होली थर्सडे बोलते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जरूरी नहीं है कि ये थर्सडे ही हुआ था। कई लोगों के थियोलॉजियंस के हिसाब से ये वेनेसडे हुआ था और प्रभु यीशु मसीह थर्सडे मरे थे। उसके 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 कई कारण हैं जिसे बताने का मौका या समय मेरे पास नहीं है, लेकिन किसी दिन शायद अगले साल बेहतर तरीके से हम सीखेंगे कि यीशु क्यों फ्राइडे नहीं मरा और थर्सडे रात को यीशु मरे करके या उनका डेथ हुआ करके। लेकिन अभी के लिए हम इसे अभी इसी एनालॉजी में लेंगे कि चार दिन बीत गए हैं, हम फाइनल वीक में हैं और हमने संडे सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे आए थे। आपको बताया प्रभु यीशु मसीह एक गधे के ऊपर बैठकर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो जो प्रोफेसी है कि यीशु मसीह को या राजा को एक गधे के ऊपर बैठ के आना था, प्रभु यीशु मसीह ने जकरिया का वो जो प्रोफेसी है वो फुलफिल किया। उसके अगले दो दिन आपके सामने ही स्क्रीन में है, हालेलुया। डे टू हमारे लिए होली मंडे है। ये वो दिन था जब परमेश्वर ने क्या किया, एक फिग ट्री को क्या किया, श्रापित किया, कर्स किया, बोला तू फ्रूटलेस है। परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अगर आप एक मसीह हो तो आपको सीजन में भी चमकना है और जब सीजन ना हो तब भी चमकना है। हालेलुया, आमेन। कहने का तात्पर्य यह था, दुख हो तब भी आनंदित रहना है, कठिनाई हो तब भी खुदा का आराधना करना है, और जब आनंद हो तो तब फिर जरूर आनंदित रहना है। पैसा हो तो भी खुदा में टिकना है, पैसा ना हो तब भी खुदा में टिकना है। हालेलुया। मसीह कभी भी अपने गिफ्ट से नहीं जाना जाता है, मसीह हमेशा अपने फ्रूट से जाना जाता है। और बाइबल स्पष्ट कहती है स्वर्ग में भी वही जाएगा, वो नहीं जिसके पास गिफ्ट्स है, वो जो परमेश्वर के फ्रूट्स को अपने आमेन पेड़ के अंदर क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर रखेगा। हालेलुया। बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए, लेकिन होपफुली नेक्स्ट टाइम। डे थ्री, होली ट्यूजडे, आमेन। यीशु मसीह माउंट ऑफ ऑलिव्स के लिए निकलते हैं और वो अपने सेकंड कमिंग के बारे में, वो फिर से आने वाले हैं करके कुछ उसके चिन्ह बताते हैं कि कैसे वो दूसरी बार यहाँ पे आएंगे, है ना, धरती पे कैसे आएंगे। और ये भी बताते हैं कि क्या क्या चिन्ह होंगे यीशु के आने का, क्या क्या चिन्ह होगा। आप अगर न्यूज फॉलो करते हैं, आप अगर वर्ल्ड न्यूज देखते हैं, तो उससे आपको एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हालेलुया। जो प्रोफेसीज बाइबल के अंदर लिखी है एक एक करके पूरा हो रहा है, चाहे वो इसराइल के विषय में हो, चाहे वो दुनिया के विषय में हो। हालेलुया। मसीह एक साथ इकट्ठा होना ही एक चिन्ह ये है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। मसीहों को जब मारा जा रहा है, कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, ये एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। हालेलुया। परसिक्यूशन बढ़ रहा है, हालेलुया, ये एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। साथ में रिवाइवल, आमेन, भीड़ के भीड़ खुदा को जान रहे हैं, ये भी एक निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाला है। हालेलुया। हम डे फोर में आते हैं। हालेलुया। डे फोर में स्पाई वेनेसडे बोलते हैं इसे। हालेलुया। डे फोर में बेतनी में यहूदा ने निश्चय कर लिया कि वो किसको धोखा देने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को वो धोखा देने जा रहा है। उसे निर्णय कर लिया, कितने सिक्कों के लिए बताया आपको, 30 सिल्वर कॉइन्स, कितना, 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए उसने निर्णय कर लिया है। आज हम सीखने जा रहे हैं आमेन थर्सडे के विषय में, डे फाइव जिसे बोला जाता है, जहां पे हालेलुया प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, दो चेलों को कहते हैं, और दो चेलों को इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हें पैसहा का, पैसओवर का क्या करना है, एक 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 फीस्ट तैयार करना है। आपको समझना है, यीशु और यीशु के साथ रहने वाला हर शिष्य यहूदी था, और यीशु कभी भी यहूदी परंपराओं का उल्लंघन नहीं करता था, उसे सिर्फ बेहतर करता था। हालेलुया, आमेन। तो नियम यह था कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को पता था पैसहा का समय आ गया है, पैसओवर। अब कोई भी मर्द, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मर्द इसराइल में या यहूदियों में, कोई भी मर्द जो 21 साल से ऊपर का होगा, उसे कहां पे आना जरूरी है, इनके तीन मेजर यहूदियों के फेस्टिवल्स हैं, और ये तीन मेजर फेस्टिवल में से एक फेस्टिवल है पैसओवर, जिसे पैसहा कहा जाता है, पैसाख कहा जाता है। ये वो वाला फीस्ट है जहां पे हर एक यहूदी कहीं ना कहीं से क्या करेगा, आएगा, और उसका पर्पस क्या है, बलि चढ़ाना, पापों की मुक्ति प्राप्त करना। योम कपूर के साथ साथ पैसहा इसराइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, या यहूदियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार है, और इस त्योहार के लिए भीड़ क्या करती है, आती है,
इस प्रकार से जोसेफस की किताब में लिखा है 1,65,000, 1,65,000 सिर्फ मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी। अब आप सोच सकते हो कितने ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठा होते होंगे। हिस्ट्री बताती है 1,65,000 सिर्फ मेमने बलि चढ़ाए जाते थे, बाकी जानवरों का तो वर्णन भी नहीं किया गया है। ये वो टाइम था जहां पे मंदिर सबसे ज्यादा, मंदिर का हाई प्रीस्ट और प्रीस्ट, चीफ प्रीस्ट सबसे ज्यादा क्या करता था, बिजी रहने वाला समय था, क्योंकि पापों का पाप से हटने का पूरे साल छुटकारा पाने का एक समय होता था ये। और उसे क्या लेके आना पड़ता था पता है, जो भी आ रहा है पापों की मुक्ति के लिए उसे एक मेमना लेके आना पड़ता था। और वो कितने दिन पहले मेमना लेके आता था, वो 7 दिन पहले क्या करता था, मेमना लेके आता था। हालेलुया, एग्जैक्टली वैसे ही कौन आया, आमीन, संडे के दिन अगर मेमना लेके आना था, जिसे उसी दिन यीशु भी कब आया, हालेलुया, उसी संडे को, हालेलुया, आमीन। अभी आगे हम उसके बारे में सीखेंगे, हालेलुया। अब जब हम प्रभु भोज के विषय में सीखते हैं तो बड़ी एक फेमस पेंटिंग है लियोनार्डो डा विंची की, 1498 में लियोनार्डो डा विंची ने लॉर्ड सफर का एक बहुत बड़ा फोटो बनाया हुआ है। मैं कई घरों पे जाता हूँ और वो फोटो लगाया होता है, पहली बात तो वो गलत फोटो है, और मुझे पता है इसके लिए मुझे बहुत लोग फालतू बोलेंगे, पर मैं आपको बोलूं जो गलत है वो गलत है, बोलने का दम होना चाहिए। हालेलुया, लियोनार्डो डा विंची का वो फोटो बिल्कुल गलत है, हालेलुया। अगर आप उस फोटो को ध्यान से देखोगे, अधिकतर सारे आपको ऐसे लगेगा लड़कियां बनाई हुई है उसने। कैन वी हैव दैट पिक्चर प्लीज, लियोनार्डो डा विंची का 1498 में उस व्यक्ति ने इस फोटो को बनाया था, 15 फीट वाइड और 29 फीट लॉन्ग था। आज ये मिलान इटली में आपको ये फोटो आज मिलेगा, मिलान इटली में आपको ये फोटो आज देखेगा। इस फोटो को जब आप ध्यान से देखोगे तो उसके आसपास के लोग ऐसे लगेंगे कि थोड़े बहुत औरतों जैसा उसे बनाया गया हुआ है, थोड़े बहुत लेडीज जैसा फोटो क्या रहता है उसके अंदर रहता है। मैं आपको, और इसी में से निकला हुआ एक मूवी है डा विंची कोड, और डा विंची कोड के अंदर ये बताया गया है कि यीशु के बगल में जो बैठी थी वो मेरी मगदलीनी थी। मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूं विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट, वो फोटो भी गलत है, डा विंची कोड मूवी भी एब्सोल्युटली 100% गलत है। और तीसरा चीज, प्रभु भोज की सेवकाई में एक भी लड़की वहां पे मौजूद नहीं थी, वहां पे 12 चेले हैं, और वो बताता कौन है पता है, ये कला, प्रेज द लॉर्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया किताब विदाउट डाउट, मैथ्यू मार्क लूक जॉन, तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पल्स, और योहन्ना का गॉस्पल बड़ा क्लियर कहता है कि इसके अंदर एक भी औरत नहीं थी, 12 के 12 कौन थे, चेले थे। हालेलुया, यहां पे ये जो फोटो आप देखते हैं मेरे राइट में, फोटो के अंदर लेफ्ट में है, अधिकतर आपको लगेगा थोड़ा बहुत इसको, ये 17 साल का, 17-18 ईयर्स का योहन्ना है, छोटा है, सबसे छोटा था, है ना, थोड़ा बहुत लड़की है। तो उनका कहना ये है कि वो मेरी मगदलीनी थी, पहली चीज नहीं थी। हालेलुया, घर पे लगाया, उठा के फेंको उसे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहली चीज मूर्ति लगाना नहीं है, दूसरी चीज कुछ लगा भी रहे हो तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, अगर सच्चाई नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब इसके अंदर जो टेबल दिखाया गया, ये टेबल ऐसा टेबल बिल्कुल था नहीं, जो टेबल यूज किया गया उस टेबल का नाम है ट्राइक्लिनियम, ये एक रोमन टेबल हुआ करता था ट्राइक्लिनियम, ये ट्राइक्लिनियम टेबल यू शेप्ड होता था। जो फोटो के अंदर डाला गया वो स्ट्रेट है, वो बिल्कुल वैसा नहीं है, ट्राइक्लिनियम एक रोमन टेबल होता था, यही टेबल घरों पे मिला करता था, और ये एक यू टेबल हुआ करता था, और बाइबल भी उसी का ही वर्णन करती है, जिस तरीके से बैठे गए, जिस तरीके से बांटा गया प्रभु भोज, इससे बड़ा क्लियर स्पष्ट होता है कि जो टेबल था वो एग्जैक्टली ऐसा सिमिलर ऐसा ही होगा, एक यू तरीके का एक टेबल होगा, ट्राइक्लिनियम टेबल होगा। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ रहा है, हालेलुया, वंडरफुल। पता है हम बहुत सारा वचन हम देख देख के सीखते हैं, पढ़ के सच्चाई, परमेश्वर का मुझे हमेशा एक वचन याद रहता है, हालेलुया, कलीसियाओं का काम लोगों को इमोशनल करना नहीं है, कलीसिया का काम लोगों को सच्चाई बताना है। हालेलुया, अगर एक पादरी अपना काम नहीं कर रहा, सच नहीं प्रचार कर रहा, तो वो उतना ही गलत है, हालेलुया, जितना बाहर का कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आमेन, किसी और चीज के बारे में बात बता रहा है। हमारा काम यह है, यीशु ने कहा सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा, प्रेज द लॉर्ड। ये यहां बैठे क्यों है, ये इसके लिए बैठे क्योंकि पेसहा का एक मील होता है, पासओवर का एक मील होता है, उस फीस्ट का नाम है द फीस्ट ऑफ अनलेवेंड ब्रेड,
ये 7 दिन चलने वाला एक त्योहार है। यीशु मसीह क्योंकि एक यहूदी थे, यीशु ने भी अपने शिष्यों को बोला, 2 जनों को बोला, एक जगह पे तुम जाओगे, वहां पे तुम्हें कोई बंदा मिलेगा, उसको बोलना प्रभु को एक घर की जरूरत है, जहां पे पेसहा का फीस्ट तैयार करना है, वो पूछेगा तो बोलना प्रभु की जरूरत है, वहां जाना, सारी तैयारियों को तुम क्या करना, वहां पे तैयारी करना है ना, वहां पे नियम है, लैम्ब होना चाहिए, लैम्ब रोस्ट होना चाहिए, 4 तरीके के 4 types of grape juice तैयार करेंगे, 4 glasses है वहां पे, 4 glasses कितने हैं, 4 glasses है वहां पे, 4 glasses होंगे ग्रेप जूस के, कई लोग उसको वाइन बोलते हैं, हालेलुया, चाहे उसको कुछ भी बोले, है ना, ग्रेप जूस के 4 वहां पे ग्लासेस होंगे। उसके अलावा वहां पे ब्रेड होगा, जिसके विषय में मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, वो ब्रेड बिना ईस्ट के होगा। परमेश्वर बड़ा, जब परमेश्वर ने पेसहा के नियमों को डाला तो उसके अंदर बड़ा क्लियर था, ईस्ट नहीं होना चाहिए। आपको पता है ईस्ट का मतलब, ईस्ट का काम होता फुलाना, हालेलुया, है ना, ईस्ट डाल के रखेंगे तो फूल जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, है ना, तो वो नहीं डालना। स्पेसिफिक क्या किया है प्रभु ने बताया है, और ये सारी चीजें, और इसके अलावा कुछ और चीजें उस टेबल पे क्या होनी चाहिए, तो सारी तैयारी करने के लिए बोला। और फिर यीशु मसीह शाम को 6 बजे के बाद, ये नियम है, कितने बजे के बाद, 6 बजे के बाद, आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं आपको समझना है हमारा दिन और उनके दिन में जमीन आसमान का फर्क है। हमारा दिन रात को 12 बजे से शुरू होता है, इनका दिन 6 बजे के बाद शुरू होता है, यही कंफ्यूजन सब लोगों को रहती है, हालेलुया। तो यीशु अगले दिन है ना, वो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे कौन से दिन करके, अभी आपको इतना समझना है कि ये 14वां निसान का 14वां दिन है, बोलिए निसान का 14वां दिन है। यीशु मसीह निसान के 10वें दिन कहां पे पहुंचे आपको पता है, आमीन, गधे के ऊपर बैठकर यीशु मसीह पहुंचे, कौन से दिन, निसान के 10वें दिन, और निसान के 14वें दिन कहां पे पहुंचे, आमीन, पेसहा का फीस्ट करने के लिए पहुंचे। आपको समझ आ रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत, वंडरफुल। अब ये मनाते क्यों है, ये मनाते इसके लिए है, पासओवर इज़राइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था, क्यों, इज़राइल के लोग कई साल पहले 1880 BC से 1900 BC के बीच में 70 लोग इज़राइल से इजिप्ट में गए। आपको बताया वो कौन थे, वो 70 लोग, वो थे याकूब के 11 बेटे और उसके साथ रहने वाले बाकी डिसेंडेंट्स, अपना जगह छोड़कर, क्योंकि वहां पे फैमिन था या वहां पे सूखा पड़ गया था, तो उस कारण क्या है, वो वहां से निकलते थे, और निकलने के बाद वो वहां पे जोसेफ के पास गए। बड़ा अच्छा समय था जहां पे जोसेफ ने अपने पिता को और जोसेफ ने अपने भाइयों को क्या किया, क्षमा किया, और क्षमा करने के बाद उसके बाद वहां पे वो लोग बस गए। फरो का बड़ा फेवर था जोसेफ के ऊपर, लेकिन वो फरो जब मर गया, इज़राइल बढ़ने लगा, तो जो नया फरो आया वो इज़राइल को पसंद नहीं करता था, उसके बाद जो आया वो और भी पसंद नहीं करता था, और उसके बाद जो आया, साल बीतते गए, उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये तो बाहर के लोग हैं, ये हमारे देश के ऊपर वश कर लेंगे, तो इसके लिए उन्होंने उसे क्या कर दिया, स्लेव बना लिया, और इज़राइल स्लेवरी में आ गया। हालेलुया, बाइबल बताती है तकरीबन 430 साल, 430 ईयर्स, 430 साल इज़राइल वहां पे बंधुआई में रहा, 430 साल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोलिए 430 साल। 430 साल के बाद परमेश्वर ने कहा इनफ इज इनफ, और परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए किसी को भेजा जिसका नाम था मूसा। हालेलुया, आमीन, मूसा को भेजा, और मूसा वहां पे पहुंचा, और मूसा ने क्या किया, इज़राइल को बंधुआई से निकालने का, हालेलुया, आमीन, जो कार्य करना था वो करना शुरू किया। जब निकालने की बारी आई तो वहां पे 10 प्लेग्स भेजने का परमेश्वर ने निर्णय लिया, 10 प्लेग्स, पहला भेजा, दूसरा भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा, फरो मान नहीं रहा था, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा भेजा, लेकिन फरो मान नहीं रहा था। फाइनली जब 9 खत्म हो गया तो आज तक जो खुदा ने कभी नहीं किया वैसा एक प्रलय भेजने का निर्णय किया, उस प्रलय का नाम था द प्लेग ऑफ डेथ, आमीन, ब्लड का एक प्रलय भेजा, जहां पे इकलौता बेटा जिसका उस घर के अंदर होगा, पहला बेटा, वो क्या करेगा, मारा जाएगा। लेकिन उसी समय प्रभु ने इज़राइल के लोगों को बुलाया और मूसा को एक निर्णय दिया, और निर्णय ये था कि मैं डेथ को भेजने जा रहा हूं, घर का पहलौटा मारा जाएगा, घर का पहलौटा, बोलिए पहलौटा मारा जाएगा, बोलिए 430 साल,
430 साल बाद मूसा को भेजा गया और वहां पे एक छुटकारा हुआ। बाइबल बताए क्या कहती है, आमीन, मलाखी के किताब से लेके मत्ती के किताब तक, आमीन, पहले अध्याय 18वें वाक्य तक, तकरीबन 400 साल, आमीन, परमेश्वर ने क्या किया, बातचीत नहीं किया। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा तुमसे बात नहीं करेगी, कोई प्रवाचक तुमसे बात नहीं करेगा, लेकिन मत्ती 1:18 से लेके यीशु के बनने तक 30 साल और जोड़ लो, आमीन, 430 साल बाद इसराइल को छुटकारा देने के लिए मूसा के बदले एक और व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, और उसने कोट क्या किया, हालेलुया, वो आया और वो आकर उसने क्या किया, यशायाह का किताब उठाकर उसने कहा मैं बंधुआओं को छोड़ने के लिए आया हूं। हालेलुया, मूसा ने कहा मिस्रियों के बंधुओं को छोड़ने के लिए मैं आया हूं, यीशु ने कहा पाप में फंसे हुए बंधुओं को छोड़ने के लिए मैं आया हूं। मूसा अगर यहां से इज़राइल को मिस्रियों से निकालने आया तो यीशु पाप से निकालने आया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का टाइमलाइन कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया, जो मूसा के लिए किया, जो इज़राइल के लिए किया, आज मानव जाति के लिए फिर से खुदा ने एक और बार किया। हालेलुया, 430 साल बाद प्रलय के उस समय, उस पैसओवर के समय खुदा ने कहा मेमना लेना है, बोलिए मेमना लेना है। मैं आपसे बुलवा इसके लिए रहा हूं ताकि आपको याद रहे, बोले मेमना लेना है, वो एक साल से अधिक होना चाहिए, कितने साल, एक साल, वन ईयर ओल्ड से ऊपर होना चाहिए। दूसरा उसका कंडीशन, तीसरा है उसके प्राइम में होना चाहिए, प्राइम में मतलब वो सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा होने वाला होना चाहिए। चौथा उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब कहने के बाद बोला इसको मार डालना है, क्या करना है, इसको बलि देना है, बलि लेकर क्या करना है, इसका लहू लेना है। हिसब का प्लांट, कौन सा प्लांट, हिसब, कौन सा प्लांट, जोर से बोलिए हिसब, हिसब का प्लांट लेना है, उस ब्लड के अंदर डिप करना है और अपने डोर पोस्ट पे लगाना है, और उसके बाद जो मेमना है मेमने का रोस्ट बनाकर तुम लोगों को क्या करना है, खाना है। उसके बाद जहां जहां ये लहू लगाया जाएगा वहां वहां पे कौन नहीं आ सकता, जब मृत्यु का एमएम ताकत आएगा तो वो नहीं छू पाएगा, क्योंकि मेमने का लहू कहां पे होगा, उस डोर पोस्ट पे। हालेलुया, बाइबल बताती है कि उस रात को वैसे ही मृत्यु आया। पासओवर का मतलब है गॉड पास्ड ओवर, फिर से बोलता हूं मैं, पासओवर का मतलब है गॉड पास्ड ओवर। हालेलुया, आमीन, एक घर पे खुदा आया, एक घर पे मृत्यु आया, लेकिन उस घर के अंदर वो घुसा नहीं, उस घर को छोड़कर वो अगले घर पे चला गया। आमीन, मतलब क्या है, जो मृत्यु तेरे घर में आना था, हालेलुया, लहू के कारण वो मृत्यु उस दिन तेरे घर पे नहीं आए, गॉड पास्ड ओवर, पास्ड ओवर। हालेलुया, तेरे खिलाफ जो आना था वो पास ओवर हो गया। आमीन, तेरे परिवार पे जो आना था वो पास ओवर हो गया। हालेलुया, तेरे बच्चे पे जो आना था वो पास ओवर हो गया। मैं नहीं जानता आप क्यों चुप बैठे हो, आपको तो धन्यवाद करना चाहिए, कितने सारे क्लेश, कितने सारे तंगी, कितने एक्सीडेंट्स, कितने दिक्कतें तेरे खिलाफ आए, लेकिन खुदा ने पास ओवर करवा दिया। हालेलुया, तो रब का दी अंदला रब शेके पास्ट ओवर। हालेलुया, कितने गलत निर्णय हमने लिए, कोई और लेता तो शायद गिर जाते, कोई और लेता तो बर्बाद हो जाता, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज टिक्के क्यों खड़े, पता है गॉड पास्ट ओवर, तुझे उसमें से निकालने वाला, विपत्ति को तुझसे दूर रखने वाला, तेरे खिलाफ बंधनों को हटाने वाला, तेरे बच्चों को भी आज जिंदा रखने वाला। जरा धन्यवाद कीजिए खुदा का, अगर खुदा ने तुझे आज भी बचा के रखा है, धन्यवाद करना, अगर तेरे बच्चे आज भी जिंदा है, धन्यवाद करना, अगर आज भी मृत्यु तुझे छू नहीं पा रही है। ओ रीबा खदा रहा शंदले रेबेगे आथला भाष ओवर। कितने लोग रोग आकर बेड पे लेट गए, लेकिन आईसीएम तुझे धन्यवाद करना चाहिए, पूरे साल आज के दिन तक एक भी व्यक्ति को बेड पे लेटा हुआ खुदा ने नहीं छोड़ा है। हालेलुया, तुझे लेटाने की कोशिश की, तुझे हॉस्पिटल के अंदर ले गया, हालेलुया, तेरे एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन निकाल के बाहर निकालो, खुदा तेरा धन्यवाद, वी थैंक यू जीसस। पास ओवर, पास ओवर, हर इज़राइल के पहलौटा बचाया गया, क्योंकि मेमने का लहू उस डोर पोस्ट पे था। हालेलुया, अंदर कौन है फर्क नहीं था,
सिर्फ लहू से मतलब था। इसी के लिए भी थोड़ी देर पहले कहा था ना, यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा, तब मैं गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू। आपको तो पता ही नहीं कितनी बार खुदा आया और आपके आंसू पोंछे उसने। हालेलुया। जब जब आपके बच्चे, जब जब आपके परिवार के अंदर कोई गलत करता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं और फिर से बोल रहा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चुपचाप बैठ के दुआ करना है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके परिवार के अंदर जो उल्टा चला गया वो सीधा वापस लौट कर आएगा। हालेलुया, आमीन। अपने जुबान से कभी मत बोलना तेरा बेटा नाश होगा, कभी मत बोलना तेरी बेटी नाश होगी, कभी मत बोलना तेरा परिवार नाश होगा। हालेलुया, तुझे जो दिख रहा है वो नहीं हो सकता है। हालेलुया, जो खुदा ने लिखा वही सिर्फ होगा। हालेलुया, तू जो देख रहा है वो नहीं, खुदा ने जो लिखा है वही होगा। और खुदा ने क्या लिखा है, तू आशीषित है, हमें तेरी पीढ़ी आशीषित है। हालेलुया, तू भलाई में रहेगा। हालेलुया। उस दिन मृत्यु इज़राइल के घर के बाहर था, इज़राइल के दरवाजे के बाहर था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मेमने का लव, मेमने का लव। हालेलुया, द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, मेमने का लव। इज़राइल बच गया। उस दिन मिस्रेम के अंदर कई लोग रोए, मिस्रेम के अंदर बड़ा दर्द हुआ, 430 साल की पीड़ा उन्होंने वो सहा। कुछ लोग कहते हैं कि आपको दया करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं एक चीज, हर पाप का भंडार फूटेगा। जितना भी कमाया है गलत से वो चला जाएगा। भंडार बना के रखे होंगे आपने और आपको लग रहा है कुछ नहीं पता लगने वाला। ओ सर, परमेश्वर कब लीक दे दे तुझे पता नहीं लगेगा। हालेलुया। यस, दुनिया ये बोलती है प्रभु का लव प्रीच करो, लव प्रीच करो, लव प्रीच करो। हालेलुया, यस जीसस इज लव। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है वो पाप को नजरअंदाज करने वाला परमेश्वर भी है। बाइबल के अंदर स्वर्ग से ज्यादा नरक का प्रचार किया गया है। यीशु मसीह ने स्वर्ग से ज्यादा नरक का प्रचार किया है। हालेलुया। हम जब एक ही जगह पे सिर्फ यीशु का चंगाई और यीशु के बड़े काम दिखाते हैं, हालेलुया, वो यीशु का सिर्फ 1/3 मिनिस्ट्री था। यीशु का बाकी 1/4 आप जानते क्या था? आमीन। बाकी जितना मिनिस्ट्री था आप जानते क्या था? लोगों को पवित्रता में चलाना, लोगों को वचन में चलाना, लोगों को वचन में टिकाना। और जितने जगह भी, और मुझे भी, मैं भी इसमें केयरफुल रहता हूं, अगर मेरा चर्च का यूएसपी कल सिर्फ चंगाई होगा तो मुझे डर है। आप जानते हैं डर मुझे किस बात का है? इस बात का है कि यीशु जब क्रूस पे गया, एक भी चंगाई प्राप्त करने वाला वहां खड़ा नहीं मिला, एक भी अद्भुत लाजर मुझे वहां दिखा नहीं। हालेलुया, जायरस मुझे वहां दिखा नहीं, जायरस की बेटी वहां मुझे दिखा नहीं। आमीन। एक हफ्ते पहले जो अंधा ठीक हुआ वो मुझे दिखा नहीं, लेकिन यीशु को चखने वाली मरियम दिखी, यीशु को चखने वाली मां दिखी, यीशु को चखने वाला योना दिखा। Praise the Lord। जिस कलीसिया का यूएसपी वचन नहीं है वो ध्यान रखे। हालेलुया, क्योंकि सिर्फ वचन ही आपको टिका सकता है। जब अंत के दिन आएंगे और जब प्रलय आएगा और जब दुख आएंगे और दिक्कत आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उस दिन पता लग जाएगा कौन खुदा में और कौन खुदा में नहीं है। और हिस्ट्री मुझे बताती है खुदा में वही टिकता है। हालेलुया, आमीन, जिसने खुदा के वचनों में टिकना सीखा है। हालेलुया, आमीन। आपको मैं बता रहा हूं, उस दिन कई फेमस लोग यीशु को ठुकरा देंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो कर के अंदर कहीं पे फेमस नहीं होगा, उसका नाम यूट्यूब पे भी नहीं होगा, उसका नाम फेसबुक पे भी नहीं होगा, शायद वो टिक जाएगा, शायद वो टिक जाएगा। Praise God। जब ये खत्म हो गया तो प्रभु ने इसराइलियों को बोला, तुम्हें ब्रेड बनाना है, ब्रेड बिना ईस्ट के, वो भी बता देता हूं क्यों बोला कि ब्रेड बिना ईस्ट के, क्योंकि जैस, क्योंकि परमेश्वर ने बोला तुरंत ये लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे इसराइल की वाले लोगों तुम जाओ जाओ जाओ, जाओ। तो ईस्ट वाला ब्रेड होगा तो क्या होगा, फूलने में टाइम लगेगा, तो बिना ईस्ट वाला रखना ताकि बिना फूले वाला ही ले जाना है ना, तो ब्रेड का वो मतलब था। दूसरा, ईस्ट एक सिंबल था सिन का, एक सिंबल था, तो ईस्ट इसके लिए हटाया कि ऐसा होना चाहिए ब्रेड जिसके अंदर क्या ना हो, पाप ना हो, है ना, अनलीवेंड ब्रेड इसके लिए उस त्यौहार को मनाया जाता है। समझ आ गया आपको? अभी तक थोड़ा बहुत क्लियर है? पेसाह समझ आ जाएगा तो प्रभु बोध समझ आ जाएगा। हालेलुया।
सब होने के बाद इज़राइल जब बाहर निकला, उस दिन से लेके जब तक प्रभु यीशु मसीह थे, सारे यहूदी आज भी, तब भी सारे यहूदी पेसहा का त्यौहार मनाते थे। उस रात को प्रभु यीशु मसीह भी मरने से पहले क्या करने जा रहे थे? पेसहा का त्यौहार मनाने वाले थे। पेसहा का त्यौहार मतलब अनलीवेंड ब्रेड का त्यौहार मनाने जा रहे थे, जहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर ये क्या करने जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का नाम उठाने जा रहे हैं। हालेलुया। अभी तक आपको सब समझ आ गया है? हालेलुया, वंडरफुल। फिर यीशु उस कमरे में घुसा। जब यीशु उस कमरे में घुसा तो यीशु ने दो चीजें की जिसके बारे में, एक के बारे में तो लोग करते हैं, और वो है कि प्रभु भोज की सेवकाई उतना ही इंपॉर्टेंट है पैर धोने का भी सेवकाई। एक तो हम कर लेते पर दूसरा करते नहीं है, दूसरा में इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बोला इतना जरूरी नहीं है। हालेलुया, आमेन। लेकिन ये दोनों सेवकाई परमेश्वर ने उस दिन क्या की थी? स्थापना की थी, और बोला था जब तक मैं दूसरी बार वापस ना आऊं तुम इसमें से क्या करना? भागी होते रहना, और इस सेवकाई को तुम करते रहना। अब हम बढ़ेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह वहां पे पहुंचे, और वहां पे एक टेबल जो बिछाया जाता है, उस टेबल को सेडेर बोला जाता है, SEDER या सेडेर बोला जाता है। तो टेबल को बिछाने का एक तरीका है, टेबल पे बैठने का एक तरीका है। रात को जो टेबल का सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो सारे लाइट्स को ऑफ करेगा, फिर वो एक लैंप लेकर आएगा, उस लैंप को क्या करेगा? वो जलाएगा, अंधकार में रोशनी देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। तो इस प्रकार जो घर का सबसे बड़ा होगा या जो मुखिया होगा वो क्या करेगा? उसको लेकर आएगा। ये त्यौहार अपने अपने घरों में लोगों को क्या करना है? बनाना है, एक साथ संगति रखकर बनाना है। ये त्यौहार अकेले में मनाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ परिवार के साथ ही मनाया जा सकता है। प्रभु भोज भी अकेले में नहीं लिया जा सकता, ये भी तभी लिया जा सकता है जब आप संगति के साथ क्या करते हो? आप जुड़ते हो। समझ आ गया? इतना है ना, क्लियर है? वंडरफुल, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अब थोड़ा सा और डिटेल में इसके अंदर जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सात चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए कि पेसहा को एग्जैक्टली लॉर्ड सपर के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। पहला, फर्स्ट, जो लैम्ब लिया जाएगा वो कौन से दिन आएगा? निसान के 10वें दिन आएगा। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 3रा वाक्य कहता है, यीशु भी कौन से दिन निसान के पहुंचा? 10वें दिन पहुंचा। किस पे आया? एक गधे के ऊपर आया। हालेलुया। जैसे 10वें दिन मेमने को इंस्पेक्ट किया जाता है, मेमने को सेलेक्ट किया जाता है। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, या तो सेलेक्ट किया जाता है और उसे इंस्पेक्ट किया जाता है। कौन से दिन होना चाहिए? निसान महीने के 10वें दिन होना चाहिए। यीशु भी उसी प्रकार से कौन से दिन आया? 10वें दिन आया, जिसे कुछ दिनों पहले आपने पाम संडे सुना होगा। हालेलुया। जब यीशु गुस्सा तो यीशु भी अपने आप को कौन सा मेमना बता रहा था? बलि चढ़ने वाला मेमना। 10वें दिन यहां पे था तो वहां पे भी यीशु कौन से दिन आया? आई मीन 10वें दिन ही आया। दूसरा, सेकंड, जो मेमना है वो एक साल से ऊपर होना चाहिए और वो अपने जीवन के प्राइम में होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 5वां वाक्य कहता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी, हालेलुया, पहलौटा था, है ना। मेमना भी क्या होना चाहिए? पहलौटा होना चाहिए, एक साल से ऊपर का होना चाहिए और हट्टा कट्टा प्राइम में होना चाहिए। यीशु भी अपने घर का क्या था? पहलौटा था। हालेलुया। और यीशु भी जब 33 साल के थे तो वो भी अगर आप देखोगे अपने प्राइम में थे। हालेलुया, अपने सबसे ताकतवर समय में थे, और उसी समय पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? बलि चढ़ा दिया। तीसरा, बाइबल कहती है जो लैम्ब है उसके अंदर कोई पाप, जो लैम्ब है उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके आंख, उसके पैर, उसके हाथ, सब कुछ क्या होने चाहिए? बिल्कुल सही होने चाहिए। एग्जैक्टली, आमीन, एग्जैक्टली वैसा ही था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल बताती है बड़े स्पष्ट रूप से, पहला पत्रस 1:19, आमीन, जो बलि मेमना यीशु मसीह चढ़ा उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसके अंदर कोई कमी नहीं था, उसके अंदर कोई दोष आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया। जैसे मेमने में कोई कमी नहीं था, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह में भी कोई पाप और कोई कमी आपको मिलेगी नहीं। चौथा, the lamb was to be sacrificed on the 14th Nisan at twilight. Amen. ये बड़ा important है। 10वें दिन मेमना आएगा, 14वें दिन क्या करेगा वो? उसका बलि चढ़ेगा। कहाँ पे लिखा है? Twilight लिखा है। बड़ा important है वो चीज। Hallelujah. निर्गमन की किताब 12वां अध्याय 6वें वाक्य में लिखा है। तो मेमने को मारने का दिन कौन सा है?
चौदवा दिन 14th डे निशान के 14th डे में उसे क्या करना है, ट्वाई लाइट पे क्या करना है, उसे मारना है। ट्वाई लाइट का मतलब पता है क्या होता है, सुबह 3 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में उसे क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। अगर आपने अपना बाइबल पढ़ा होगा तो उसके अंदर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह को भी निशान के 14वें दिन हालेलुया क्रूस में 3 बजे के बीच में और 6 बजे के बीच में क्या किया गया, मारा गया। बाइबल कहती है और 9वें पहर में उसने अपने सांसों को क्या कर दिया, खुदावंत के सामने दे दिया। जैसे मेमने को मारा जाता है जिस समय, एग्जैक्टली उसी समय पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को भी बलि दे दिया दिखाने के लिए वही असली पेसाहा है और वही असली मानव जाति के लिए मरने वाला इकलौता मेमना है। अब इसके बाद कोई और मेमना नहीं होगा। हालेलुया। पांचवा, जो ब्रेड है ना, उसको मैत्ज़ा बोलते हैं, पासओवर का जो ब्रेड है उसके अंदर ईस्ट नहीं होता है। ईस्ट सिन का साइन था। हालेलुया, आमीन। उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ईस्ट क्या करता है, ब्रेड को है ना, उसके लाइफ को खत्म कर देता है। हालेलुया। एग्जैक्टली यीशु मसीह अपने विषय में खुद यूहन्ना 19:36 में बताते हैं कि वो कहते हैं इस प्रकार से कि मैं खुद हूं। John 6:48 में लिखा है, I am the bread of life। यीशु कहता है मैं ही क्या हूं, ब्रेड हूं। हालेलुया। तो अगर वहां पे ब्रेड दिया गया तो यीशु खुद भी क्या था, ब्रेड था। यीशु ने तो बहुत साल पहले कह दिया था मैं क्या हूं, जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। बताने के लिए कि जो जीवन की रोटी हालेलुया इसराइलियों ने पेसहा में खाया वही जीवन की रोटी हालेलुया मानव जाति को। इसी के लिए जब रोटी तोड़ा जाता है प्रभु ने कहा आमीन ये रोटी मैं ही हूं। हालेलुया। जब इसे तोड़ते हैं तो ये मरता नहीं है, ये तोड़ते हैं तो ये क्या देता है, ये जीवन देता है। हालेलुया। छठा, ये जो लैम्ब है इसको, इसका एक भी हड्डी टूटना नहीं है, सिर्फ इसको मारना है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और निर्गमन 12:46 में लिखा है, यीशु के विषय में भी इस प्रकार से लिखा है, दोनों शिष्यों को मारने के लिए आए, तो उसके बगल में जो दो चोर थे उसे मारने के लिए आए, लेकिन यीशु के पास जब पहुंचे तो उसे मारा नहीं। क्यों नहीं मारा, क्योंकि बाइबल में लिखा था मेमने का एक भी क्या नहीं करेगा, हड्डी नहीं तोड़ा जाएगा। हालेलुया। जो पुराने मेमने के विषय में लिखा वैसे ही नए नियम के मेमने के विषय में भी उसका एक भी हड्डी तोड़ा नहीं गया। 7th और आखिरी, पुराने नियम का जो लैम का ब्लड था उसने इसराइलियों को क्या किया, छुटकारा दिया। हालेलुया। इसराइल को छुटकारा देने के लिए वो मेमना उपयोग किया गया था। नए नियम का जो मेमना था उसका ब्लड किसको छुटकारा दिया, पूरे दुनिया को दिया। हालेलुया, आमीन। अगर पुराना मेमना इसराइल को छुटकारा दे रहा था, नया मेमना हमें छुटकारा दे रहा था। हालेलुया। अब आपका सवाल आएगा अगला, क्या यूदास इस्कारियों ने क्या इस प्रभु भोज में से संध्या, सुनिएगा, प्रेज द लॉर्ड, क्या यूदास इस्कारियों ने प्रभु भोज में से सेवकाई में भागी हुए। बाइबल बताती है और इसके बीच में कई लोगों ने कई सारी चीजें बोली है, लेकिन बाइबल बड़ा स्पष्ट है, नहीं। इसके लिए कई लोग कई विषय में कई चीजें बोलेंगे, लेकिन जितना मैंने बाइबल को समझा है, सीखा है, जानने की कोशिश की है, 4 कटोरे थे और उसमें से तीसरा कटोरा, उस कटोरे का नाम है द कप ऑफ रिडेम्पशन। यीशु ने जो कटोरा उपयोग किया तीसरा कटोरा था, बाइबल में बड़ा स्पष्ट है। 2 उससे पहले कटोरे, उसके अंदर जो कटोरा था उसमें से डिप करके किसको दिया, यहूदा को दिया। और उसके बाद प्रभु बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यहूदा तुझे जो काम सौंपा है वो तू काम कर करा। लेकिन उसके बाद 3rd जो कप था जिसे द कप ऑफ रिडेम्पशन बोला जाता है, उस कप को प्रभु ने उठाकर क्या किया, आशीषित किया और फिर अपने शिष्यों में उसे क्या किया, बांट दिया, जो इस चीज का वर्णन करता है कि प्रभु ने अपने सेवकाई में आमीन यूदास को प्रभु भोज में स्वभागित होने नहीं दिया है। वो नहीं चाहता था उसका पहला कलीसिया आमीन उसका पहला प्रभु भोज के सेवकाई अपवित्रता से हो। इसके लिए आमीन जो कड़वा था वो पिलाया, लेकिन जो था वो कलीसिया को दिया। हालेलुया। प्रभु भोज की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह है, वो आए, उनका काम पुराने पेसहा को उठाकर प्रभु भोज की सेवकाई में बदलना था। अब तो सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरे पुराने नियम में
इकलौता व्यक्ति जो कमांड कर सकता था, जो कवनेंट बना सकता था, कौन था आपको पता है? यहोवा। यहोवा का पहला कवनेंट क्या था पता है? तुम पेसहा मनाओ, पहला कवनेंट था। लहू का कवनेंट था किसका? पहला, मेमने को मारो, उसका लहू लेके लगाओ और कहा कि इसको तुम क्या करो, जब एक साल में हर बार इसको बनाओ, कवनेंट। जब यीशु मसीह आया उस टेबल पे बैठा और उस टेबल पे जब रहा, आपको पता है वहां पे क्या लिखा था? वहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु कहता है और अब मैं तुम्हें एक नई वाचा देता हूं। हालेलुया, इंग्लिश बाइबल है, अब मैं तुम्हें एक नई वाचा देता हूं। जैसे इज़राइल को एक नया वाचा दिया, खुदा ने आमीन ने हम लोगों को भी क्या दिया? एक नया वाचा दिया। और वाचा क्या था? ये रोटी, हालेलुया, ये मेरा शरीर है, और ये थाकरस, ये मेरा लहू है। हालेलुया, पुराने पेसहा को उठाकर खुदा ने क्या किया? एक नए वाचा में बदल दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सीरियस थे जब वो इस प्रभु भोज की सेवकाई को कर रहे थे। बिना सीरियसनेस के हमें प्रभु भोज की सेवकाई से भागी नहीं हो सकती। वो खुदा का शरीर और खुदा का लहू है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने आमीन, कैन यू ब्रिंग द ब्रेड, आमीन, बिना ईस्ट का प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ब्रेड लिया। उस ब्रेड को लिया प्रभु यीशु मसीह ने, और लेने के बाद बिना ईस्ट का वो ब्रेड था, खुदा बाप ने उसे लिया, ये उसका शरीर है। खुदा ने लिया उस ब्रेड को, लेकर प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या किया आपको पता है? उसे तोड़ दिया। उसने खुद, किसी ने भी यीशु को नहीं मारा। कभी मत बोलिएगा यहूदियों ने यीशु को मारा, कभी मत बोलिएगा रोमियो ने यीशु को मारा। क्या इंसान में इतनी ताकत है कि वो खुदा को मार सके? तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि यीशु ने स्वयं, नहीं पढ़ाना आपने बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, खुदा को किसी ने मारा नहीं है, खुदा ने अपने आप को खुद ही बलि दे दिया क्योंकि वो तुझसे इतना प्रेम करता था। और एक बार नहीं तोड़ा, बार बार उसने अपने आप को क्या किया? उसने तोड़ा। एक बार नहीं, अगर मैं कहूंगा तो 11 बार तोड़ा। आज प्रभु का धन्यवाद हो, उसने एक बार नहीं तोड़ा, उसने बार बार अपने आप को क्या किया है? तेरे लिए तोड़ा है ताकि आज तू उसका शरीर खाए तो तू उसमें क्या प्राप्त कर सके? उसके अंदर जीवन। तभी यीशु ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ही तुम्हारा क्या हूं? हालेलुया, जीवन का रोटी। उसी प्रकार से यीशु ने कटोरा लिया, कटोरा लेकर यीशु ने उसे ब्लेस किया। उसे ब्लेस करने के बाद अपने शिष्यों को उसने क्या किया? दिया और बोला, ये मेरा क्या है? ये मेरा लहू है। किसी ने यीशु का लहू नहीं लिया। ये गलत फहमी है कि यीशु एक दिन बाद मरा, उसने तो अपना जीवन एक रात पहले ही दे दिया था। गुड फ्राइडे बाद में आया था, यीशु तो एक दिन पहले ही मर चुका था। तो ये कहना बंद करो कि खुद लोगों ने यीशु को मारा। किसी में इतनी ताकत भी नहीं और ना किसी में इतनी औकात है कि वो मेरे परमेश्वर का बाल विवाह का कर सके। मैं उसका बेटा होकर मेरा बाल कोई बाका नहीं कर सकता। जब तक खुदा न चाहे तो तुझे लगता है मानव जाति को बनाने वाला स्वर्ग का इकलौता पुत्र, उसके ऊपर एक खरोच भी कोई ला सकता है?
मृत्यु तो 12 घंटे बाद हुई, लेकिन लहू उसने 12 घंटे पहले दे दिया। उसने वो लहू दिया और कहा, रबा खंदला रबा शके दिया अंदले रे बेगेरे। Hold this for me, please. Keep it. Hold it. Hold it tightly. रबा शका दला रबा रे। ध्यान से सुनिएगा। पुराने नियम का लहू सिर्फ दरवाजों के बाहर लगने के लिए था। अभी तक आपको समझ नहीं आया मैंने क्या कहा तो मुझे बड़ा दुख है आपके लिए। पुराने नियम का लहू सिर्फ दरवाजों के बाहर लगने के लिए था। नए नियम का लहू तेरे दरवाजे के बाहर नहीं, वो तेरे अंदर जाने वाला लहू। पुराने नियम का लहू तुझे बाप से जोड़ता नहीं है, सिर्फ तुझे प्रोटेक्शन देता है, लेकिन नए नियम का लहू, हालेलुया, वो तुझे बचाता नहीं है, वो तुझे बाप का पुत्र बेटा और बेटी बनाता है। पुराने नियम का लहू तुझे मृत्यु से बचाता है, नए नियम का लहू तुझे जीवन देता है और भरपूरी में देता है। पुराने नियम के लहू से सिर्फ तेरा बाहर का शरीर बचाया जाता है, लेकिन नए नियम के लहू के बारे में बताया जाता है, आमेन, वो तेरे अंदर के मनुष्य को बचाता है, हालेलुया, पाप से दूर करता है, अधर्मों को हटाता है और मुझे शुद्ध करता है। ये नए नियम का प्रभु यीशु मसीह का लहू है। मरा वो बात लहू उसने पहली बहा दिया। तो जब आप इस प्रभु भोज में से आज भागित होंगे, यह कोई प्रसाद नहीं है जो लिया और बोला कि खाओ तुम्हें बड़ा आशीष आने वाले, वो इसके लिए क्योंकि आपको नहीं पता जो रोटी तोड़ रहा था और जो दाखरस दे रहा था, जो शरीर तोड़ रहा था और जो लहू दे रहा था, उसके जहन में क्या चल रहा था। उसने सब कुछ निछावर कर दिया उस टेबल के सामने, एवरी सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, एवरी सिंगल थिंग। हम उस क्रूस के बारे में तो बात करते हैं जहां पे यीशु को लटकाया गया, पर हम आज के दिन के बारे में, आज ज्यादा खतरनाक था, उसे कल सिर्फ लटकाया गया था, आज उसे तोड़ा गया था। बुरा मत मानिएगा, हम सबको टाइटल चाहिए, पास्टर, प्रोफेट, अपोस्टल, वर्शिपर, डॉक्टर, रेवरेंड, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, लगा लो जितना लगाना है, थोड़ा हेवी लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन इसी सेवकाई में, प्रभु भोज की सेवकाई के बाद, एक गमछा हाथ में लिए, एक बर्तन हाथ में लिए, एक कटोरा हाथ में लिए, Praise the Lord, जब तुम बड़े बड़े टाइटल लगाते हो, उसने अपने टाइटल के आगे सर्वेंट लगा दिया। हालेलुया, आमेन, सर्वेंट लगा दिया। वो जो मास्टर था, वो जो रबी था, वो जो प्रभु है और वो जो प्रभु था, वो जिसे मसीहा कहा जाता है, वो एक बर्तन लेकर आता, पानी भरता है, अभिषेक करने नहीं, किसी को ब्लेस करने नहीं, लेकिन उसके शिष्य के पैरों को साफ करने और दिखाने कि स्वर्ग राज्य में वही बढ़ाएगा जो सबसे ज्यादा अपने आप को घटाएगा। आपके और मेरे टाइटल, खुदा का धन्यवाद उसने हमें दिया, पर अगर उस टाइटल का दुरुपयोग होगा, वो टाइटल अगर घमंड के लिए लगाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, मेरे लिए किसी और टाइटल से बढ़कर है कि हालेलुया, खुदा का वो टाइटल काफी है। बाकी सब बड़े बड़े टाइटल लगाने चाहते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं सर्वेंट हूं। वो उस दिन नहीं सिर्फ पैर धोया, आज भी अगर कहीं आ गया तो आज भी तेरा पैर धोने के लिए भी मेरा खुदा तैयार हो जाएगा, उतना नम्र है प्रभु यीशु मसीह। आज इस प्रभु बोझ की सेवकाई में आप अपने आप को दीजिएगा। बाइबल कहती है, यस, ये लेने से आशीष है, यस,
ये लेने से भलाई है, यस ये लेने से मुझे एक नया बल, एक सामर्थ्य मिलता है। मैं क्यों लेता हूं? क्योंकि उसने उस रात को दर्द सहा, उसके बाद अगले 12 घंटे बाद दर्द सहा। पर एक प्रभु के दास होने के नाते मेरा यह भी कहना जरूरी है, अगर अधर्मियों की तरह इसको लिया गया तो बाइबल ये भी कहती है कुछ कमजोर हो जाएंगे, कुछ बीमार हो जाएंगे और कुछ सो भी जाएंगे। खुदा ने सब कुछ निछावर कर दिया उस प्रभु भोज की सेवकाई में। आज अगर आप सबसे लीस्ट कुछ कर सकते हैं तो खुदा को धन्यवाद कर आज उस रोटी और दाखरस में से आप भागी हुईगा। और ये प्रभु भोज आपके लिए भी एक पास ओवर से बढ़कर नहीं होगा। हालेलुया, जो सिर्फ तेरे बाहर नहीं वो सिर्फ तेरे अंदर काम करेगा। ये बात ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदा खुदा का धन्यवाद। हालेलुया, मैं आशा करता हूं आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बना। अगर आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण रहा है तो आप कमेंट्स में जरूर डालिए कि वो हमारे लिए कार्य कर रहा है। यस, परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है। और वो कार्य क्या है? वो कार्य है कि हमारे को परमेश्वर एक सांसों से भर रहा है। और ये वचन उसके लिए एक सांस है। वचन कहता है कि जो मेरे भवन में अपने दशवांशों को, अपने टाइट्स को, अपने हथियों को लेके आता है, मैं उसको कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम पूरा करते हैं, वो जो किसी का कर्जदार नहीं है वो अपने वचनों को पूरा करता है। तो आइए हम अपने दशवांशों को, अपने टाइट्स को, अपने हथियों को अपने हाथों में ले और परमेश्वर की ओर उठा के कहें, हे परमेश्वर खुदा बाप पिता, तू जलाली सामर्थ्य और करुणामय है पिता परमेश्वर खुदा। हे दाऊद, ओके प्रभु पिता परमेश्वर, हम पे दया करने वाले पिता परमेश्वर, अब्राहम के, इसहाक के परमेश्वर खुदा बाप, हे पिता परमेश्वर, होने पाए पिता परमेश्वर खुदा बाप, ये हर एक बढ़ाया गया हाथ पिता परमेश्वर खुदा बाप, ओ पिता परमेश्वर, जब तेरे भवन में बोते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप, पिता परमेश्वर खुदा, हे पिता परमेश्वर, इनके जीवनों को पिता परमेश्वर एक बहुतायत की आशीष से भरपूर करना पिता परमेश्वर, होने पाए पिता परमेश्वर खुदा बाप, इस हफ्ते पिता परमेश्वर खुदा बाप, हर एक बोया गया इनका बीच पिता परमेश्वर खुदा बाप, ओ पिता परमेश्वर 90 नहीं, ओ पिता परमेश्वर 100 गुना आशीष को लेके आए पिता परमेश्वर खुदा बाप, ओ पिता परमेश्वर खुदा बाप, जब ये कलीसिया को देते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप, हे पिता परमेश्वर खुदा बाप, इनके खतों को आप भरपूर रखना पिता परमेश्वर खुदा, इन पे दया करना पिता, इनको तेरे आगे समर्पित करते हैं खुदा बाप, खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आप सुने और ग्रहण करें परमेश्वर का वचन जो हमेशा हमारे लिए कार्य करता है, वो आपके लिए जरूर कार्य करेगा। मात्र 31 मंथ्स बचे हैं, हम बहुत नज़दीक हैं अपने उस पड़ाव के जो हमारे पास आने वाला है। तो 31 महीने आप परमेश्वर के भवन के लिए बोइए, परमेश्वर का आप अपने जीवन में कार्य होते हुए देखेंगे परमेश्वर आप।